नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है आपका। और आज आपके लिए लेकर आए हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में डीसी रेट जो लिखता है दोस्तों, वो क्यों लिखता है और क्या क्या कारण हो सकता है दोस्तों इसके लिए, और कौन सा पार्ट रिप्लेस करने पे डीसी रेट ठीक हो जाता है दोस्तों, ठीक है आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। डीसी रेट में दोस्तों सबसे पहला चीज़ जो है हम लोग चेक करेंगे डोर प्रॉपर लगा है कि नहीं दोस्तों। अगर डोर प्रॉपर नहीं लगा रहेगा तो डीसी लिखेगा दोस्तों, ठीक है। अगर डोर प्रॉपर आपका लगा हुआ है उसके बावजूद भी अगर डीसी लिख रहा है दोस्तों, ठीक है, तो जानते हैं क्या कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपका डोर स्विच लगा है दोस्तों, ठीक है, यही डोर स्विच लगा रहता है। अब इस डोर स्विच को हम लोग खोलेंगे, ठीक है। डोर स्विच खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो दो स्क्रू देख रहे हैं, सबसे पहले दो स्क्रू को खोलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्क्रू खुल गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस रबर को जो है, रबर को हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। रबर में दोस्तों एक स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग को हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। पिछले जो वीडियो बनाए थे दोस्तों उसमें हम बता चुके हैं आपको स्प्रिंग और रबर खोलने के लिए। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो आपको हम आई बटन में वीडियो दे देंगे दोस्तों, आप वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों रबर को निकाल लेंगे। रबर निकालने के बाद दोस्तों देखिए इस डोर स्विच को हम लोग निकालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, डोर स्विच निकल गया है, ठीक है। अब इसका दोस्तों कनेक्शन अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, कनेक्शन अलग हो गया है। ये देखिए हमारा डोर स्विच है, ठीक है, और ये देखिए दोस्तों उसका जैक, ठीक है। डोर स्विच में देखिए दोस्तों तीन पिन होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए तीन पिन है दोस्तों डोर स्विच में। और जैक में देखिए सर दोस्तों तीन तार लगा हुआ है, ठीक है, ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन कलर का दोस्तों पतला वाला तार है, ठीक है। डोर स्विच सही है या खराब है दोस्तों, ठीक है, इस जैक से भी पता कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तीन तार वाले जैक में दोस्तों दो तार जो है ब्लैक और ब्लू, उसको दोस्तों हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक पतला तार लेंगे दोस्तों, ठीक है, एक पतला तार लेकर दोनों तार को हम लोग शॉर्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्लू और ब्लैक तार को दोस्तों हमने शॉर्ट कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका डीसी रेड हट गया है, इसका मतलब दोस्तों पीसीबी से सप्लाई आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर मांग चलिए अगर हम वायरिंग को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद भी अगर डीसी एरर दिखा रहा है तो समझ लीजिए दोस्तों कि पीसीबी से एरर है, पीसीबी से एरर है या कहीं तार कटा हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसको चेक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और अगर शॉर्ट करने के बाद एरर हट गया दोस्तों तो आपका 100% डोर स्विच से दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। तो डोर स्विच को डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे दोस्तों, डोर स्विच को चेक करना है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे कि हम डोर स्विच को डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये आपका फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का डोर स्विच है दोस्तों, और आपको हम बताएंगे इसमें कि चेक कैसे किया जाता है, डोर स्विच सही है या खराब है आपका। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का, इसको डोर स्विच बोलते हैं, इसके कारण सभी बहुत प्रॉब्लम मशीन में आता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसका जो तीन पिन है, ठीक है, इसमें आपका एक लाइन, एक न्यूट्रल, एक होता है दोस्तों फीडबैक के लिए, ठीक है, जो मशीन में फीडबैक देता है कि आपका बंद करना है चालू करना है डोर स्विच को दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, तीन पिन है, इस तीन पिन में आपका दो पिन है दोस्तों जो आपका मेन और न्यूट्रल है, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे दोनों का कंटिन्यूटी 20K पे लगा कर दोस्तों, ठीक है, उसका ओम्स बता रहा है कि नहीं, वैल्यू बता रहा है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें दो पिन है आपका, मीटर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मीटर पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये इसका कुछ वैल्यू बता रहा है इसका, ठीक है, इसका मतलब ये आपका डोर स्विच एकदम सही है दोस्तों, खराब नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरा पिन मिलाएगा तो वैल्यू नहीं बताएगा, क्योंकि उसका कोई काम रहता नहीं है, उसे फीडबैक के लिए रहता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये दोनों पिन जो होता है इसमें आपको फीडबैक बताएगा दोस्तों, सॉरी रेजिस्टेंस बताएगा दोस्तों,
मतलब आपका डोर स्विच सही है। और दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट चेक करने के लिए आपको बताते हैं डायरेक्ट चेक कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भी आपका 220 वोल्ट ही सप्लाई लेता है, इसीलिए आपको बताते हैं। देखिए इसमें दो पिन जिस पे आप चेक कर रहे थे, ठीक है, इसमें अगर डायरेक्ट लाइन देंगे दोस्तों आप, ठीक है, तो एक आवाज़ करेगा, टिक से आवाज़ करेगा दोस्तों, ठीक है, एक हल्का सा आवाज़ करेगा। देखिए देखे दिखाते हैं आपको हम, थोड़ा देर लगा के रखेगा दोस्तों। देखिए एक आवाज़ किया हल्का सा, मतलब डोर स्विच आपका लॉक हो गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लाइन काटते हैं, ठीक है, लाइन काटते हैं दोस्तों, तो कुछ मिनट के एक मिनट के बाद फिर से वही साउंड सुनाई देगा टिक करके, ठीक है, और आपका डोर स्विच ओपन हो जाएगा दोस्तों, मतलब आप डोर को खोल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसको चेक करना, क्योंकि इसमें भी 220 वोल्ट ही सप्लाई देता है। अगर मशीन में कुछ एरर दिखा रहा है आपका, ठीक है, डीसी एरर दिखा रहा है, डीई एरर दिखा रहा है दोस्तों, तो इनलेट बल्ब से ही एरर होता है, ठीक है। डीई मतलब होता है डोर एरर। तो दोस्तों इसे चेक कर लेना है, यहाँ पे जो वायर आया हुआ है उस वायर पे चेक कर लेना है कि 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मशीन को स्टार्ट करने के बाद अगर सप्लाई आ रहा है तो आपका 100% डोर स्विच ख़राब है दोस्तों, ठीक है, उस कंडीशन में डोर स्विच को चेंज कर देंगे, ठीक है। देखें दोस्तों एक हल्का सा आवाज़ आया है टिक करके, ठीक है, मतलब डोर स्विच अब आपका ओपन हो गया है। देखिए दोस्तों डोर स्विच लग गया है। इसके बाद जो स्क्रू है दोस्तों, स्क्रू को हम लोग टाइट कर देंगे और रबर को भी लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।